विश्वनाथ धाम में सावन के महीने में श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में जा पहुंची। इस साल सावन में 1,63,00,000 श्रद्धालु ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए हैं। रिपोर्ट देखिए। जहां कणकण में भगवान शिव का वास हो, जिस शहर में गंगा की पवित्रता बसती हो, जहां भक्ति में ही शक्ति हो, जो शहर भारत की परंपरा की शान बढ़ाए वो काशी ही है। काशी के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है। काशी यानी वाराणसी को ही भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में गंगा नदी के तट पर विराजमान है। काशी की तस्वीर बीते 9 सालों में पूरी तरह से बदल चुकी है। बनारस आज विकास के मॉडल के रूप में दुनिया में पहचाना जाने लगा है और काशी में सैलानियों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद में सैलानियों की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। हर हर महादेव के जयकारों से पूरी काशी 2 महीने तक गूंजती रही। इस बार सावन में एक बार फिर नया कीर्तिमान बना दिया, जहां पर 8 हफ्तों के सावन में श्रद्धालुओं की संख्या 1,63,00,000 को पार कर गई। यानी कि इतने लोग बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे और सावन के हर सोमवार को श्रद्धालुओं की संख्या 5,00,000 तक पहुंच जाती थी, लेकिन सावन के आखिरी सोमवार को श्रद्धालुओं की संख्या पहली बार 7,00,000 के आंकड़े को भी पार कर गई। बाबा धाम का जो नवीन स्वरूप का लोकार्पण 13 दिसंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था, उसके बाद उनका सावन में भी काफ़ी अच्छी संख्या श्रद्धालु रही थी। इस बार सावन में ये एक रिकॉर्ड है, एक बड़ी संख्या, क्योंकि सावन इस बार बड़ा था, मतलब तो लगभग 2 माह का सावन था, 8 सोमवार थे और सोमवार को ये संख्या श्रद्धालुओं की और अधिक रही, करीब 5,00,000 से ऊपर ही रही। आखिरी सोमवार को तो करीब 7,25,00,000 रही है संख्या। मंदिर प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया। सैलानियों की संख्या बढ़ने से जहां काशी विश्वनाथ धाम के खजाने में बढ़ोतरी हुई, तो वहीं काशी वासियों के लिए भी रोजगार के मौके बढ़े हैं। चीजें थी, हम लोग शुरुआत में जब सावन के पूर्व में ही कई बार बैठके की जिला प्रशासन के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ बैठके की, न्यास की पूरी टीम के साथ हम लोगों ने बैठके की कैसे इसको बेहतर बनाना है और क्या क्या संसाधनों को लगा करके श्रद्धालुओं को एक अच्छा एक्सपीरियंस देना और समयबद्ध दर्शन कराना है। इसके लिए जो धाम में पहले से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, चाहे वो यात्री सुविधा केंद्र हो, पेयजल आदि की व्यवस्था, उन सबके अतिरिक्त भी हम लोगों ने आवश्यकता अनुरूप छाया की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, क्यू फैसिलिटी, पेयजल की व्यवस्था, ये सबको अतिरिक्त भी कराया ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। 80 और वरुणा नदी के मिलने से वाराणसी शहर का निर्माण हुआ है। यहाँ तकरीबन 30 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। कण कण में सनातन परंपरा जुड़ी हुई है। इस शहर का अपना सांस्कृतिक महत्व है। संगीत और कला का अद्भुत मिश्रण दिखाई देता है। दूसरे शहरों के शोर शराबे से अलग ही इस शहर की पहचान है। सुकून की तलाश में देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। पीएम बनते ही मोदी ने बनारस में विकास की नींव रखना शुरू कर दिया था, लेकिन विकास परियोजना को रफ्तार साल 2017 से मिलनी शुरू हुई, जब से यूपी की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में पहुंची। इसके बाद में डबल इंजन की सरकार ने विकास के कामों की रफ्तार बढ़ा दी। काशी विश्वनाथ धाम का सौंदर्यकरण हो या फिर स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, घाट, रिंग रोड, रोपवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और फ्लाईओवर जैसे कई काम हुए हैं। काशी विश्वनाथ धाम आज पूरी दुनिया में अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। दिसंबर 2022 तक मंदिर को 100 करोड़ की आमदनी हो चुकी है। ऐसे में अब शिव की काशी में सैलानियों के आने के नए नए कीर्तिमान भी बन रहे हैं। वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट, न्यूज 18।